विधानसभा चूंटणी में पक्ष विरोधी प्रवृत्ति पर बोलिया जगदीश ठाकोर। शिस्त समिति की रचना पण कराई छे। 52 फरियाद मळी अने तेमाथी 38 अरजीओ निकाल पण थयो छे। अन्य किस्सा में खुलासा लेवानुं काम चालू छे। एएमसी में विपक्षी नेता की मुदत पर पण बोलिया छे ठाकोर। नवा विपक्षी नेता मुद्दे कोर्पोरेटर मळवा आव्या हता, तेमणे सांभळीने निर्णय पण कराशे। विधानसभा में विपक्षी नेता पर पण बोलिया छे जगदीश ठाकोर। भाजप विधानसभा विपक्ष ने मिटावा मांगे छे। भूतकाळ में कोंग्रेसे विपक्षी नेतानुं पद आप्युं हतुं। पीएससी में कांग्रेस ने न समावी ने भाजपे बंधारण भंग कर्यो छे। शिस्त समिति की रचना थी गई। पांचेक दिवस पहला शिस्त समिति की बैठक मिली। 52 अरजीओ आई है टोटल, अने आजे ज शिस्त समिति चेरमेन बालूभाई साथ मारे बात थी। 38 अरजीओनो एमने कहूं कि अमे शिस्त समिति में बेसी ने निर्णय कर्यो छे, एनो निकाल कर्यो छे। કેટલાકને સસ્પેન્ડ કરવાના હતા એની યાદી બની ગઈ છે। રૂબરૂ બોલાવીને ખુલાસા પૂછવાના છે, એ ખુલાસા માટેના પત્રો લખાઈ ગયા છે, અને આગામી દિવસમાં શિસ્ત સમિતિની બેઠક મળી અને આ દિશા ઉપર જે કામ કરવાનું છે, જેણે પાર્ટી વિરુદ્ધ કામ કર્યું છે, પક્ષને નુકસાનીનું કામ કર્યું છે, એવા લોકોની સામે શિસ્ત સમિતિ પગલાં ભરવાના પણ ચાલુ કર્યા છે। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં विरोध पक्षना नेता जारे नक्की करवामां आव्या त्यारे एक कंडीशन हती कि एकाद वर्ष पूरतो ज विपक्षना नेतानो निर्णय करीए छीए। वर्ष पूरू थशे पछी एनी प्रक्रिया जे कंई करवानी थशे ए करवानी रहेशे। एना भागरूपे मने याद करावा माटे कॉर्पोरेटर मित्रों पण आव्या छे। इन्चार्ज मूकी अने अमदावाद कॉर्पोरेशनना जे कोंग्रेस पक्षना कॉर्पोरेटर छे ए बधाने सांभळीने एमांथी जे कंई नाम आवशे એ નવા નેતાની પસંદગી તરફ પણ કોંગ્રેસ આગળ વધશે।